तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है और एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस पीडीएफ में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके हेडक्वार्टर कौन से हैं और उनके उनकी जो स्थापना है तो वो कब हुई है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो है वो मन लगा कर देखिए और सबसे लास्ट में मैंने इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी देखा है, तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे लास्ट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो पहला है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यून फंड्स, तो हम इसे कहते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ जो है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। और अभी प्रेजेंट में इसके हेड है हेनरिटा फोर, हेनरिटा फोर। तो एक बार फिर से देखेंगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जिसे हम कहते हैं यूनिसेफ, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में, हेड है हेनरिटा फोर्ड। चलो इसके बाद देखते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड नंबर पे है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। प्रेजेंटली इसके हेड है ऑड्रे एजोलेई, ऑड्रे एजोलेई, यूनेस्को पेरिस फ्रांस, यूनेस्को पेरिस फ्रांस। चलिए थर्ड नंबर पे जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो थर्ड नंबर पे है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसे हम कहते हैं एशियन कहते हैं। तो एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 में। प्रेजेंटली इसके हेड है दातो लिम जॉक होई मून। थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने में, तो आपको एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं AIIB। तो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जनवरी 2016 को। तो प्रेजेंटली इसके जो हेड है वो है जीन लिक्वन, इसके जो हेड है वो है जीन लिक्वन, एशियन AIIB, उसकी जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर का जो इंस्टीट्यूशन है वो देखते हैं। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंडा लुयोंग फिलीपींस। पहले जो उसका हेडक्वार्टर था वो था मैनिला फिलीपींस में, अब वो चेंज होकर हो गया है मैंडा लुयोंग फिलीपींस में। तो इसकी जो जो स्थापना है या फिर इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं उसे, वो है 19 दिसंबर 1966। सो एडीबी का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 19 दिसंबर 1966। तो प्रेजेंटली देखा जाए तो इसका जो हेड है वो है मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा, एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंडा लुयोंग फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम कहते हैं NDB, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और इस्टेब्लिशमेंट डेट है 15 जुलाई 2014, इस्टेब्लिशमेंट डेट है 15 जुलाई 2014। तो प्रेजेंटली देखा जाए तो इसके जो हेड है वो है KV कामत, इसके जो हेड है वो है KV कामत। इसकी बात वाला लेते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हम उसे कहते हैं सार्क, साउथ एशिया
एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम कहते हैं सार्क। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में, और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 अगर हेड देखा जाए तो अमजद हुसैन सार्क के प्रेजेंटली हेड है, और सार्क पे टोटल कुल मिलाकर 8 कंट्रीज आती है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका जैसे कंट्रीज आते हैं। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर इम्पॉर्टेंट है, और उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे हम कहते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, जो आता है USA में। इसका हेडक्वार्टर आता है वॉशिंगटन DC USA में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसी साल में IMF का निर्माण हुआ था 1947। प्रेजेंटली देखा जाए तो इसका जो हेड है वह है क्रिस्टलिना जॉर्जी इवा। चलिए इसके बाद वाला इंटरनेशनल हेडक्वार्टर देखते हैं। तो इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है वॉशिंगटन DC USA। हेडक्वार्टर जो है वो है वॉशिंगटन DC USA, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 को। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1944 को। प्रेजेंटली इसके जो हेड है वो है डेविड आर मलपास। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बाद हम देखने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948। प्रेजेंटली देखा जाए तो इनके जो हेड है वो है टेड्रॉस अथानोम। दोस्तों RRB NTPC में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। भारत के साथ, इंटरनेशनल के साथ ही भारत में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी पूछ रहे हैं, जैसे कि इसरो हो गया, DRDO हो गया। तो इस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके बाद वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानकारी लेते हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे अब कहते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 1971। इसका जो हेड है वो है क्लाउस स्कॉप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद आता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम कहते हैं APEC के नाम से जानते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है सिंगापुर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवंबर 1989 में। प्रेजेंटली देखा जाए तो इनके जो हेड है वो है मुहिउद्दीन मोहम्मद यासिन। APEC का सिंगापुर है सिंगापुर। इसके बाद वाला जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विपो। और ये जो क्वेश्चन है इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था RRB NTPC एग्ज़ाम में।
तो इसका हेड क्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड। इसका जो हेड क्वार्टर है वह है जेनीवा स्विट्जरलैंड, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1967 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1967 में। प्रेजेंटली देखा जाए तो इसका हेड है फ्रांसिस गरी। जो फ्रांसिस गरी है वो है सीईओ ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विपो। इसके बाद वाला देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, तो नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसकी जो स्थापना हुई थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं वो हुई थी 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949। प्रेजेंटली देखा जाए तो नाटो के हेड है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसके बाद वाला जो हेड क्वार्टर है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसके बाद आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो जिसे हम कहते हैं आईसीसी के नाम से जानते हैं, तो आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो है दुबई, जो आता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, हेड क्वार्टर है दुबई। उसके बाद जो स्थापना आती है वो आती है 15 जून 1909, 15 जून 1909। जो चेयरपर्सन है आईसीसी के वो है शशांक मनोहर। जो चेयरपर्सन आते हैं वो है शशांक मनोहर। तो सीईओ है मनु सोहनी। जो सीईओ है आईसीसी के वो है मनु सोहनी। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं FAO। तो FAO का जो हेड क्वार्टर है वो है रोम इटली। हेड क्वार्टर जो आता है वो आता है रोम इटली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इनके जो हेड है वो है क्यू डोंग यू। प्रेजेंटली जो देखा जाए इनके जो हेड है वो है क्यू डोंग यू। तो चलिए इसके बाद वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसे हम IOC के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लौसेन स्विट्जरलैंड। इसका जो हेड क्वार्टर आता है वो आता है लौसेन स्विट्जरलैंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो है 23 जून 1884, 1884, 1884। अब प्रेजेंटली देखा जाए तो इसके जो हेड है वो है थॉमस बैक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेड है वो है थॉमस बैक। उसके बाद वाला जो इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है इसकी जानकारी लेते हैं। इसके बाद आता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं फीफा। तो फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो है जूरिच स्विट्जरलैंड में। फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो आता है जूरिच स्विट्जरलैंड में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904, 21 मई 1904। प्रेजेंटली देखा जाए फीफा के जो हेड है वो है गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। इसके बाद वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसे हम कहते हैं WWF। तो इनके जो हेड क्वार्टर है वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो WWF का जो हेड क्वार्टर है वो आता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 29 अप्रैल 1961, 29 अप्रैल 1961 में। हेड है कार्टर रॉबर्ट्स, हेड है कार्टर रॉबर्ट्स। इसके बाद वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड है बिमस्टेक। इसके बाद वाला जो इंटरनेशनल हेड क्वार्टर आता है वो आता है बिमस्टेक। उसे इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर
मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बांग्लादेश में जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है बिम्सटेक नाम से, बांग्लादेश में जो है जो ढाका आता है तो वहाँ पे बिम्सटेक नामक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर ढाका में आता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 जून 1997। तो दोस्तों इसके बाद एक आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जाके देना है। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IIM, जिसे IMF का हेड क्वार्टर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास जेनीवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप रिपीट, आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो वीडियो है अगर आपको लग रहा है कि स्लो रिकॉर्ड हुआ है या फिर फास्ट रिकॉर्ड हुआ है तो आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर देख सकते हो। अगर ये वीडियो आप एक से दो बार देख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो हेडक्वार्टर है वो पूरे के पूरे हेडक्वार्टर ध्यान में आ जाएंगे। तो ये वीडियो फिर से देखिए और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मैं इस चैनल में ऐसे ही वीडियो डालने वाला हूँ जो आपको इस RRB NTPC तथा बाकी जो एग्ज़ाम है तो आपको हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।